सर हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द न्यू वीडियो। तो यार आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में पूरा आईपीयू का काउंसलिंग का प्रोसेस कि भैया कैसे होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों के एक कॉमन डाउट आ रहे थे कि भैया राउंड वन में कोई सीट मिलेगी तो उसके बाद राउंड टू में मुझे सीट एक्सेप्टेंसीज देनी पड़ेगी, और उसके बाद जब मैं राउंड टू में जाऊंगा उसमें अगर मुझे कोई कॉलेज मिलेगा तो उसमें मुझे दोबारा सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। फिर कुछ बच्चों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया स्पॉट राउंड में कैसा सिनेरियो रहता है कि अगर लाइक मुझे राउंड वन टू थ्री में कोई कॉलेज नहीं मिलता तो क्या मुझे स्पॉट राउंड में कोई कॉलेज मिलेगा, एंड अगर मुझे स्पॉट राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता तो क्या मैं स्पॉट टू में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, एंड यार राउंड वन में मुझे कोई कॉलेज मिल गया तो राउंड टू में मुझे कोई कॉलेज चेंज करना है तो क्या मैं उसको एडिट कर पाऊंगा, लाइक चॉइस फिलिंग ऊपर नीचे कर पाऊंगा। तो सारे सवाल आप लोगों के लिए मैं अभी आंसर देने वाला हूं, तो पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझाने वाला हूं। उससे पहले क्या करना भाई, चैनल को क्या करना, आपको सब्सक्राइब कर देना, नीचे बटन दिख रहा होगा लाल वाला, फटाफट जाकर दबा दो, क्योंकि आईपीयू के अलावा भी जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं आपके बीटेक के रिलेटेड हो गए, बीबीए के रिलेटेड हो गए, बीसीए के रिलेटेड हो गए, बाकी कोई से भी कोर्स से रिलेटेड हो गए, मैं वहां के कॉलेजेस के व्लॉग्स लाता रहूंगा, मोस्टली आपके ग्रेटर नोएडा वगैरह साइड्स के हो गए, फिर देखो जहां जहां पॉसिबल होंगे वहां लाता रहूंगा। लाइक रिसेंटली मैं वृंदावन गया था घूमने, तो यार वृंदावन में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी रोड पे पड़ता है एंड उसके बारे में काफी मैंने सुना भी था, तो उसका भी ब्लॉग मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए, वो चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, फटाफट से जाओ चैनल पे जाके देख लो, एंड वो भी बढ़िया है। अगर यूपी के स्टूडेंट्स कोई है, कोई देख रहा है तो अगर उसको संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो जाके उस वीडियो को देख लो, एंड कॉलेज का पूरा इंटीरियर आपको देखने को मिल जाएगा भाई कॉलेज कैसा है अंदर से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि भैया कि आपका जो ये काउंसलिंग का प्रोसेस है आईपीयू का वो कैसे रहने वाला है। देखो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आईपीयू की काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा तो भाई बहुत ही लेट प्रोसेस रहने वाला है, तो इस चीज को अपने दिमाग में ध्यान रख लेना कि भाई आईपीयू की जो काउंसलिंग होती है ना बहुत लेट होती है। लाइक अगर मैंने आपको 10 तारीख की एक डेट दिया कि 10 तारीख से राउंड वन की काउंसलिंग शुरू होगी तो वो 10 तारीख से लेके वो आपको 20 या 25 तारीख तक शिफ्ट जरूर करता है। लाइक अगर कोई एक डेट आपको मिल गई है तो ये जरूर सोच के रखना कि भैया वो उस डेट को नहीं होने वाली, वो आपके एक या दो हफ्ते बाद डिले होगी होगी। ठीक है, पहली पॉइंट तो आईपी के बारे में ये याद रखना। दूसरा क्या होने वाला है कि आईपी की जो काउंसलिंग होती है वो बहुत लेट होती है, एंड इसमें एक चीज होने वाली है कि अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और उसकी रैंक बहुत ज्यादा है, लाइक 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख या 9 लाख वाला भी मान लो, तो उसमें क्या, इसमें बेनिफिट क्या हो जाता है, अगर आप स्पॉट राउंड तक टिके रहते हो आईपी में तो आपको कोई ना कोई सीट यहाँ पे जरूर देखने को मिल जाती है, तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट हो जाता है कि भी अगर हम लेट तक आईपी में रुक जाते हैं तो यहाँ पे आपको सीट मिल जाता है। लास्ट टाइम मैंने काफी बच्चों को बोला था कि भाई थोड़ा सा वेट कर लो, लाइक आपको राउंड 1, 2, 3 तक तो देखो पूरा कट ऑफ के बेसिस पे जितने कॉलेज मिल गए, उसके बाद स्पॉट राउंड से होती है असली खेल आईपीयू का, जहां पे आपको कॉलेजेस में एडमिशन देखने को मिल जाता है अगर आपकी रैंक ज्यादा भी है तो। ये नहीं कहूंगा कोई बच्चा बाद में आके मुझे बोले कि भैया मेरी 5-6 लाख रैंक थी, मुझे तो सीएस सही थी, आपने तो कहा था मिल जाएगा। अरे बाबूलाल, 5-6 लाख का मतलब ये नहीं है कि आपको सीएस आईटी मिल रही होगी, मतलब ये है कि आपको आईपीयू के किसी अच्छे खासे डिसेंट 5, 6, 7 टॉप कॉलेजेस में कोई एक सीट मिल जाएगी। अब ये भी नहीं कह रहा कि सीएस आईटी ही मिलेगी आपको, लाइक ईसी मिल सकती है, आपको कोई स्पेशलाइजेशन मिल सकती है, तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो किसी प्राइवेट कॉलेजेस में 15, 20, 25 लाख रुपए देने से तो इस मच बेटर कि आप आईपीयू अच्छे खासे कॉलेज में 6 से 8 लाख रुपए दे के अपनी बीटेक की डिग्री ले रहे हो, एंड एवरेज पैकेज की बात करूँ तो यहाँ पे 6 से 8 लाख तक एवरेज लग जाता है। अगर मैं टॉप कॉलेज की बात करूँ जैसे आपका यूएसआईसीटी, मेट और सूरजमल की बात करूँ तो यहाँ से आपको नॉर्मली आपको इतना अच्छा खासा पैकेज देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो उसके नीचे के कॉलेजेस है, लाइक नीचे के भी टॉप 5-6 जो है, वहां पे भी आपको 5-6 लाख तक आराम से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना। पर अब समझते हैं ये काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है आईपीयू का। अब देखो राउंड वन में जैसे आपने चॉइस फिलिंग कर दी होगी, अब चॉइस फिलिंग का जो भी रिजल्ट जब भी आएगा, अब जैसे जिसकी रैंक अच्छी है तो उसको राउंड वन में कॉलेज कोई ना कोई अलॉट हो जाएगा, एंड कॉलेज अलॉट होने के बाद, लाइक अगर आपको सीएस मिल जाती है, आपको यूएसआईसीटी की सीएस चाहिए थी, आपको मेट की सीएस चाहिए थी, या व्हाटएवर एक्सवाइजेड आपको कोई भी कॉलेज चाहिए था, आपको राउंड वन में मिल जाता है। अब आता है आपके पास दो ऑप्शन, या तो फ्लोट कर दो या तो फ्रीज कर दो। फ्लोट का मतलब ये है कि आप उस सीट को फ्लोट कर रहे हो, एंड मतलब वो सीट आपके पास है एंड आप अगले राउंड में जा रहे हो एंड उसकी जो आपको सीट मिली है वो अपग्रेड हो जाएगी। लाइक अगर उस रैंक तक आपकी कट ऑफ मैच कर रही होगी या कट ऑफ उतनी हो जा रही होगी तो आपको दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बट अगर आपको वही कॉलेज चाहिए, लाइक अगर आपको मिल गया आपको मन पसंदीदा कॉलेज, तो राउंड वन में आप उसको फ्रीज कर दोगे। फ्रीज करने के बाद एक XYZ अमाउंट इनको पे करना होता है, वो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ता है। लास्ट ईयर यार ये 40,000 था, अब मे भी थोड़ा बड़ा है, वो कितना है मुझे एक्जैक्ट याद नहीं है, वो जो भी होगा अपडेट कर दूंगा। तो फ्रीज करने के बाद आपको कॉलेज में वही रिपोर्टिंग की डेट दे दी जाती है कि इस टाइम पे आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है, तो जाके आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करोगे, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करवाओगे अपनी, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं आपका, लाइक 10th 12th की मार्कशीट होती है एंड आधार कार्ड एंड व्हाटएवर जो चीज होती है डॉक्यूमेंट के, एक अलग वीडियो बना दूंगा आपके रिजल्ट के बाद। तो ये सारी चीजें लेके आपको कॉलेज पहुंचना होता है एंड आपको सीट अलॉट हो जाती है। अब जिसको सीट मिल गई
एंड उसको अगले राउंड में जाके अपग्रेड करवाना है। और दूसरा बच्चा ये जिसको कोई सीट नहीं मिली वो सीधा राउंड टू में जाएगा। अब पूछोगे आप, अब बहुत बच्चों को ये डाउट था कि भैया क्या हम अपनी सीट ऊपर नीचे कर पाएंगे राउंड टू में, लाइक अपने कोई भी चॉइस फिलिंग जो कर दी होगी, लाइक बहुत बच्चों में जिनको चेंज करनी होगी, तो आप राउंड टू में आपको ऑप्शन मिल जाता है डेट का, तो उसमें जाके आप आराम से कर सकते हो। उसमें आपकी जो चॉइस फिलिंग है ऊपर नीचे जो भी करनी है आप कर लेना। एंड राउंड टू में जिस बच्चों ने फ्लोट करी है, लाइक उसको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिल गई है एंड राउंड टू में आगे उसने फ्लोट करी है, उसको लाइक ईसी मिली है एंड उसको राउंड में आके फ्लोट करने के बाद उसको एक्सवाइजेड उससे कोई अच्छी ब्रांच मिल गई है एंड उसको अब वो सीट चाहिए, तो अब वो दोबारा वही सेम फर्स्ट राउंड वाला सीन प्रोसेस करेगा। लाइक उसको वही सीट फ्लोट फ्रीज करनी पड़ेगी एंड फ्रीज करने के बाद एक्सवाइजेड जो भी अमाउंट होगा वो पे करना पड़ेगा, कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री इसमें क्या आता है, लाइक ये ध्यान रखना जो आउटसाइड वाले बच्चे हैं उनके लिए ये चीज बता रहा हूँ कि भाई राउंड वन टू थ्री में मोस्टली जो इनसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है कॉलेज मिलने की। अब राउंड थ्री के बाद शुरू होता है स्पॉट राउंड, जहां पे असली खेल शुरू होता है। अब यहां पे क्या होता है, बहुत से बच्चे डर जाते हैं कि भाई राउंड वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, बट हमें सीट नहीं मिली, तो इसमें वो डर के मारे क्या करते हैं, भागते हैं जल्दी जल्दी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने, क्योंकि वो क्या करते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले कि हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, सीट्स खत्म हो रही है। तो ये सारा चलता रहता है प्राइवेट कॉलेज का, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, तो इन चीजों से बच के रहना, ठीक है, क्योंकि आईपीओ के स्पॉट राउंड सीट्स आपको आराम से देखने को मिल जाती है। स्पॉट राउंड में क्या होता है, आपकी एक तो कैटेगरीज होती है ये सारी हट जाती है, आउटसाइड इनसाइड वाला कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रहता वहाँ पे, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो जाती है आपको स्पॉट राउंड में सीट्स मिलने की। अब वहाँ पे भी सेम सीन रहता है, आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, चॉइस फिलिंग में आपको कोई सीट्स मिल गई तो आपको फ्लोट करना पड़ेगा, फ्लोट करके अगर आपको अगले राउंड में जाना तो आप फ्लोट कर दोगे एंड फ्रीज कर दिया तो मतलब वो सीट आपको फिक्स हो गई एंड वही कॉलेज जब मैं जाओ वेरिफिकेशन कराओ। अब एक बच्चे का डाउट मेरे पे ये था कि भैया जैसे मैं कॉलेज मुझे कोई मिल गया, मैंने फ्लोट कर दिया, फ्लोट करने के बाद मैं अगले राउंड में गया और अगले राउंड में मुझे कोई कॉलेज ही नहीं मिला, तो क्या मुझे फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला हुआ था लाइक वो मेरे पास रहेगी या नहीं रहेगी, तो इसका जवाब है हाँ भाई वो आपके पास रहेगी, वो आपने फ्लोट करा है, फ्लोट करके आप अगले राउंड में जा रहे हो, ठीक है, तो अगले राउंड में अगर कुछ भी नहीं मिला तो लास्ट वाली सीट आपके पास रहेगी रहेगी, ठीक है, अगर जब उसको फ्रीज कर दिया तो इट्स मिनट वो आपने लॉक कर दिया, वो सीट आपको फिर देनी पड़ेगी। तो यही सारा प्रोसेस होने वाला है आपके आईपीयू के काउंसलिंग में। बाकी कोई भी डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर लो आराम से, हमारा भाई बैठा है आराम से वहां पे बात करेंगे। एंड यार कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, किसी भी टॉप मोस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, भले आपको एमबीए से रिलेटेड कोई डाउट है, बीबीए, बीसीए, होटल मैनेजमेंट, व्हाटएवर कोई भी कोर्स से डाउट है, तो नीचे एक नंबर मेंशन होगा, जाके फटाफट इनसे कॉन्टैक्ट कर लो और डिस्क्रिप्शन में इनका व्हाट्सएप नंबर और एक गूगल फॉर्म भी डाल देता हूं। आपको बीटेक से रिलेटेड भी डाउट है, आपको बीसीए, बीजेएमसी कोई भी कोर्स से रिलेटेड डाउट है, जल्दी से आके इनसे कॉन्टैक्ट करो। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोज में जहां पे हम आपके लिए आईपीयू के जितने अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, लाइक आपके टॉप के 5-6-7 कॉलेजेस की कॉलेजेस की हम वहाँ के ब्लॉग्स ला रहे होंगे आप लोगों के लिए एंड वहीं के बच्चों से, फोर्थ ईयर वाले और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, लाइक उनसे एक बातचीत करेंगे, लाइक पॉडकास्ट आप लोगों के लिए ला रहे होंगे कि भाई कॉलेज लाइफ कैसी है, कि आपको भी तो पता लगे कि आप किस जिस कॉलेज में जा रहे हो वहाँ के बच्चों का क्या, लाइक उस कॉलेज से लेके क्या एक रिव्यू है, ठीक है, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए लाएंगे। उसके लिए क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड भाई लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे।